लेफ्ट में प्लस होगी और राइट साइड राइट में।
Now divide. Now divide 2 by 1. Divide 2 by 1. तो वो कितना आ गया? R sin theta over R cos theta is equals to 3 over minus 2. तो ये कितना हुआ? Minus 1. Sin over cos कितना होता है? Tan theta. डिग्री को कैसे लिखते हो आप? 5/4. इट इज -45 डिग्री और -π/4. ठीक है. वैसे पाई देखो, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो पाई की वैल्यू होती है 180. आपने एंगल किए ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, अप टू 360 तक भी होती है. तो 30 को कैसे लिखोगे? 5/6. 60 को क्या लिखोगे? 5/3. 45 को क्या लिखोगे? 5/4. 90 डिग्री को क्या लिखोगे? 5/2. अगर 180 हो तो 180 क्या होता है हमारे पास? 5. ये याद रखना है. अगर किसी को नहीं पता वो नोट करो, क्योंकि जब हमने थीटा का एंगल लिखा ना, जिसके तो हमें एंगल पता है, जैसे 1 का हमें पता है कि 5/4 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स -π/4. आगे लिखो द वैल्यू ऑफ थीटा. द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ थीटा both the above equations, both the value of theta satisfying both the above equations is -π/4. Is -π/4. Therefore, -3 + 3 iota is equals to 3√2 cos of -π/4 plus iota sin -π/4. वैसे देखो पोलर फॉर्म क्या थी? x + iota y is equals to r of cos theta plus iota sin theta. यही थी हमारी पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म के लिए फर्स्ट स्टेप स्केलिंग एंड एडिंग. स्केलिंग एंड एडिंग करने के बाद उसमें से हमने r की वैल्यू फाइंड की, क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिवाइडिंग. डिवाइड करने के बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की. जब आपके पास थीटा और r दोनों आ गए तो पोलर फॉर्म में हमने बस और कुछ नहीं करना है, क्लियर है. नेक्स्ट हम करें वो भी पोलर फॉर्म से. ये लिखो एक्सप्रेस, ये लिखिए बेटा, लिख लो. नेक्स्ट लिखो एक्सप्रेस 5 - 10 iota इन पोलर फॉर्म. 5 - 10 iota इन पोलर फॉर्म. ट्राई करो राजे, ये सब करिए, शाबाश. ट्राई करो ये सब. लिखो x + iota y इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर लो पहले. x + iota y इज इक्वल्स टू r ऑफ cos theta plus iota sin theta, ठीक है. x + iota y इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है? 5 - 10 iota. क्लियर है? 5 - 10 iota. R as it is cos theta plus iota sin theta. अब क्या करना है? कंपेयर रियल पार्ट के
स्केलिंग है, एडिंग करो स्केलिंग है तो एडिंग। लिखिए एक्सप्रेस जेड इज इक्वल्स टू
एक बार दोबारा समझो, अगर आपके पास सम आता है कि आपने इसको रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करना है? पहले देखिए, नाम दे दिया इसको जेड इज इक्वल टू सिक्स, ई रेज टू पावर आइटा फाइव बाय सिक्स, ई रेज टू पावर आइटा फाइव बाय सिक्स। अभी तो मैंने आपको बताया कि ई रेज टू पावर आइटा थीटा क्या होता है, सिक्स थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, फाइव बाय सिक्स। अगर आपको पता नहीं चलता ना कि ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, आप डिवाइड कर लो, और 80/6 कितना हो गया, कितना एंगल है, 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दिया सिक्स, ई रेज टू पावर आइटा थीटा का मतलब कॉस 5/6 प्लस आइटा साइन 5/6। पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इनकी फॉर्म्स लिखनी, ठीक है? ये पोलर फॉर्म आ गई। रेक्टेंगुलर क्या है कि आपने इसको सॉल्व कर देना है, कॉस 5/6 कितना हो गया, रूट 3/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2। आप देखो बाहर 6 आ रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, 6 √3/2 प्लस 6 आइटा, आइटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया आइटा, तो 6 आइटा/2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3√3 + 3 आइटा। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म, रिवाइज करो इतना।